एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में एक भूतिया हवेली था जो कि चुड़ैलों का कब्जे में रहता था। एक दिन की बात है, मोटू अपने दोस्त पतलू से मिलने के लिए उसी जंगल से होकर जा रहा था। वह जंगल इतना बड़ा था कि मोटू को अपने दोस्त के पास पहुंचने में शाम का समय हो जाता है। तभी मोटू बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और जल्दी जल्दी उस जंगल से जाने लगता है। तभी उस हवेली में रहने वाले चुड़ैलों को पता चल जाता है कि इस रास्ते से कोई आदमी गुजर रहा है और वे लोग मोटू का पीछा करने लगती हैं। तभी एक चुड़ैल हवेली से निकलकर और जाती है देखने कि कौन इस रास्ते से होकर जा रहा है। आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आज उसका मरना निश्चय है। तभी मोटू रास्ते पर खड़ा होकर और जंगल में आगे ना जाने पर डर रहा था। वह सोचता है कि इस जंगल में चुड़ैलें रहती हैं। तभी एक चुड़ैल मोटू के सामने आ जाती है और कहती है, इस जंगल से जो कोई भी जाता है हम लोग उसे मार डालते हैं, लेकिन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस जंगल के रास्ते से जाने का। तभी मोटू उस चुड़ैल से माफ़ी मांगने लगता है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। तभी वह चुड़ैल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वह चुड़ैल अपने जादू से मोटू को एक भूतिया मोटू बना देती है और फिर मोटू को लेकर अपने मालकिन के पास ले जाने लगती है। तभी मोटू एक भूतिया मोटू बन गया था और वह किसी को भी ना ही पहचानता है और ना ही पहले की बातें याद थी। और वह मोटू भोला भाला बनकर और उस चुड़ैल के साथ जाने लगता है। फिर वह चुड़ैल अपने मालकिन के पास मोटू को ले जाकर खड़ा कर देती है और वे सारे चुड़ैले उसे काट कर और बखरे लगा कर खाते और फिर ले जाकर मोटू को एक जेल जैसा कैदी बना देती हैं और उसी कैदी के अंदर उसे कैद कर देती हैं।